हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो ज़रा सी डिफरेंट होगी। ये एक क्रिटिकल ऑप्स के इशू को लेके है। ये इशू है कि भाई मैं गूगल प्ले से लॉगिन नहीं कर पा रहा, और इस लॉगिन के इशू को फिक्स भी नहीं कर पा रहा मैं, पता नहीं क्यों। और इसको फिक्स करने के लिए मतलब टेम्प्रेरी सा एक सॉल्यूशन बन के ढूँढा था, वो है कि भाई हर बार री इंस्टॉल मुझे करना पड़ता। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैं इसको स्टार्ट करने की कोशिश में कर रहा हूँ, यहाँ पे लोड होगा, फिर उसके बाद वो चालू नहीं होगा। लॉगिंग इन करेगा तभी वहाँ पे मेरे को लॉगिन नहीं करने देगा। फिर उसके बाद गूगल प्ले का ग्लिच दिखाएगा, जैसे देख रहे हो ऊपर लिख रहा है वेलकम सिरिस्टोन। हाँ ये देखिए, फेल टू गेट गूगल ऑथेंटिक कोड। अब मैं इसको ट्राई करूँगा फेसबुक से लॉगिन करने, वैसे वर्थलेस है। मैं वहाँ से बैक करके वापस से गूगल प्ले पे जाऊँगा, और गूगल से वापस से नहीं होगा, और वापस से अलग ग्लिच स्टार्ट। ये गूगल की फॉल्ट नहीं है ना, फ़ोन की गलती है, ये गलती है तो भाई क्रिटिकल ऑप्स वालों की। इन लोगों ने मेंटेन करके कुछ नहीं रखा है अपना। इन लोग से एक छोटे काम नहीं होती गूगल प्ले की, बग फिक्स करना। और यही नहीं, और भी चीज़ें हैं। ये देखिए, ये बार बार अभी रिपीट होगा, अभी ख़त्म नहीं होगा, ये ख़त्म नहीं होगा, ये शुरू हो गया, अभी ख़त्म नहीं होगा कभी। हर बार आते रहेगा। इसके लिए इसके ऊपर सर फोड़ना व्यर्थ है। उन डेव से जब मैं डेवलपर से बात किया, अगर आप सोचो कि मैं डेवलपर से कहीं बात ना करता हूँ, तो जरा देख लीजिए। यहाँ पे मैं इन गेम सपोर्ट पे जाता हूँ, लिटरली सब लोगों ने इधर पे लिखा है कि मेरा वो प्रॉब्लम है, मेरा ये प्रॉब्लम है, बट ये लोग सिर्फ एक ही बात सिर्फ बोलते हैं, डेवलपर्स के लिए एक ही बात बस बोलते हैं, वी जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट अपडेट। और नेक्स्ट अपडेट हम लोग को तो पता ही है भाई, अभी कितने सारे 0.9.8 के कितने सारे अपडेट्स आ गए। अभी करंटली बहुत ज़्यादा अपडेट्स आ चुके हैं, 2 से 3-4 बार आ चुके हैं, अभी भी फिर भी फिक्स नहीं हो रहा ही है। अब इसका मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसका सोल्यूशन तो नहीं है। अगर क्रिटिकल ऑप्स अगर ऐसा ही करता है तो मैं क्रिटिकल ऑप्स नहीं खेलूँगा, ये सीधी सी बात है। बट ये बात उन लोग को नहीं समझ आती, क्रिटिकल ऑप्स वाले। अगर कोई देख रहा है वीडियो, तो फिर ये वीडियो ज़रा शेयर कर दें क्रिटिकल फोर्स वालों को। मैं उनको ज़रा बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ स्किन्स इनक्रेज करने की जगह अगर गेम को ज़रा सा फिक्स कर देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और गेम के लैग तो पूछिए मत। हम लोग एशिया से कनेक्ट होते हैं, तो मैं एशिया नहीं यूरोप को सर्वर दिया जाता है, ऐसा क्यों है? और यूरोप के मैच मेकिंग में हमारे सामने हमेशा हाई लेवल के बंदे आते हैं। मैं और मेरे सिल्वर वाले फ्रेंड्स जब ज्वाइन रैंक में जब जाते हैं, तो एक गोल्ड का बंदा आ जाता है। ये सब क्या हो रहा है मैच मेकिंग में? मैच मेकिंग तो अलग, लैग्स, सर्वर के लैग, जो भी क्रिटिकल ऑप्स खेलते हैं उनको तो पता ही है कि लैग क्या चीज़ है। क्रिटिकल ऑप्स नियरली अपने गेम के अंत पे आ चुका है कि अब ये गेम अब ना चले, ये गेम अब ख़राब हो रही है, सड़ रही है। क्रिटिकल फोर्स वालों कुछ करो प्लीज़। तो गाइस, क्रिटिकल ऑप्स जब तक ठीक नहीं होता, तब तक हम लोग ये गेम हम लोग खेल सकते हैं, जैसे पबजी या स्टैंड ऑफ तो एक बड़ा अच्छा गेम है, नया मल्टीप्लेयर गेम है ये, बहुत अभी ज़रा पॉपुलर अभी होना ये शुरू हो गया है। ये बहुत अच्छी गेम है, इसमें ये क्रिटिकल ऑप्स जैसी लैग भी नहीं करती है, और इसमें सबसे अच्छे क्वालिटी के सर्वर्स भी हैं। अगर आप जियो अगर आप यूज़ करते हैं, आपका पिंग आपका 300-400 अगर आता था क्रिटिकल ऑप्स में, यहाँ पे आपको पिंग सिर्फ 100-200 के नीचे आपको आएगी, इतनी गारंटी देता हूँ। मेरे दोस्त खुद जियो यूज़ करते हैं, और इसमें स्किन्स भी बहुत अच्छे हैं, और इसमें वो माइलस्टोन जैसे बेकार चीज़ भी नहीं है। यहाँ के केस दिखने में अच्छे हैं, यहाँ के स्किन्स भी अच्छे दिखते हैं, और अगर आप स्किन्स में हैं तो फिर स्किन्स ही यहाँ पे अच्छे हैं।
गेम प्ले मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी पिंग 180 आ रही थी और कितने सारे लोग थे। मैप्स अभी यहाँ पे कम है क्योंकि अभी 0.8.8 अपडेट पे हूँ। 0.9.0 पे एक नया मैप आने वाला है। नया मैप आएगा तो फिर उसके ऊपर एक रिव्यू वीडियो बताऊँगा। और सब बोलूँ क्या, ये गेम काफ़ी अच्छी चलती है। इस गेम में वॉइस चैट है, हाँ वॉइस चैट स्टैंड ऑफ 2 से भी पहले वॉइस चैट। और 0.9.0 में तो इसके में इसमें तो वेट मार्केट प्लेस भी आ जाएगा और आप स्किन्स अब ट्रेड भी कर सकते हैं। और इसमें टीम ज्वाइन करके हाई ग्राफिक्स के साथ साथ नो एम असिस्ट वाली नो लो स्किल वाली चीज़ों से आप दूर रहेंगे। आप गेम प्ले देख सकते हैं, बड़ी सही चलती है, एकदम CS:GO वाली फील है। मैं यहाँ पे इंस्टेंटली, और हाँ यहाँ पे डैमेज रिपोर्ट्स भी दिखाते हैं, एटलीस्ट कुछ तो करते हैं। और इसमें MVP सिस्टम से ड्रॉप्स भी होते हैं, लिटरली लाइक CS:GO है, पूरा CS:GO ही लगता है मुझे तो खेलने में। बट फिर भी CS:GO से कुछ कुछ कम है, जैसे इसमें स्पेक्टेटर मोड्स नहीं, स्पेक्टेटिंग खेलनी है, और बहुत ऐसे एक आधे छोटे मोटे चीज़ है, वॉइस चैट है इसमें, इसमें क्या नहीं है। और क्रिटिकल फोर्स से तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा काम कर रहा है। डैमेज 93 मैंने देख के मर गया। और हाँ इसमें लोग बात करते हैं माइक पे, यहाँ पे फ़िलहाल मैं यूज़ नहीं कर रहा, इसके लोग बात नहीं करते। हाँ तो फिर आप मुझे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी खुद की क्लैन है इसमें, मैं DJ क्लैन का हूँ और मैं अपने क्लैन को मेरे पे दिखा रहा हूँ। और हाँ यहाँ पे सेल्फ मैन बूस्ट भी हो सकता है। ओ मर गया, बूस्ट करते हैं, मैं मर गया। और यहाँ पे मेडल्स दिए जाते हैं, रैंक अभी तो रिलीज़ नहीं हुआ इसमें, ये एक फ़िलहाल एक। यहाँ पे हम लोग की पिंग देखिए, हमारे ओपोनेंट वालों की तरफ पिंग देखिए, 405, इट्स बेसिकली वन साइडेड। इतना अच्छा पिंग मुझे कभी नहीं मिलता, मुझे क्रिटिकल फोर्स में, क्रिटिकल ऑप्स में मुझे बहुत ज़्यादा मुझे पिंग मिलती है। और ये मैं शानदार किल मिस करते हुए गब्बर से मारा गया। तो हाँ भाई और बहनों, ये गेम हो सकती है क्रिटिकल ऑप्स के बाद जो सबसे अच्छी निकले। मैं तो भाई ये गेम मैं रेकमेंड करूँगा, मैं तो चाहता हूँ भाई कि ये गेम आगे निकले, क्योंकि ये गेम बहुत सारे फीचर्स लेके आई है। और पहले से जब आई थी तो इसमें सिर्फ डेथ मैच था, और इसमें रैंक सिस्टम XP सिस्टम है। और देखिए जैसे मुझे 5 कॉइन्स मुझे मिल चुके हैं, तो फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आपको हर मैच आपको कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा MVP सिस्टम के हिसाब से। तो हाँ गाइस, मैं बताने के लिए था ये वीडियो कि क्रिटिकल ऑप्स मरने वाला है अगर उसके उसकी अगर उसके डेवलपर्स ने अगर कुछ नहीं किया तो भाई और भी गेम है लोगों के पास, और भी चीज़ें खेल सकते हैं वो। बट क्रिटिकल ऑप्स अगर मर गया तो वो तो ई-स्पोर्ट गेम है, ई-स्पोर्ट वाले गेम को भाई कौन इतना लाइटली लेता है। CS:GO देख लो, CS:GO में तो भाई हर हफ्ते कुछ ना कुछ अपडेट आता है, हर हफ्ते हर महीने कुछ ना कुछ तो अपडेट आता है, ऐसा तो कुछ नहीं होता उस क्रिटिकल ऑप्स में। मान सकते हैं हाँ वो PC है, बट PC में भी तो ज़्यादा कोडिंग है एंड्रॉयड से ज़्यादा। तो हाँ गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आए तो फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे और कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब करके वो नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, तब तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।